इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। हुबली शहर के एचडीपीआई ऑफिस के बाहर बहुत ही अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां पर एचडीपीआई के जिम्मेदारों और दिगर कारकुनान को जेर हिरासत लिया गया। वजह सिर्फ ये थी कि वो अमनमान के साथ पदयात्रा निकाल रहे थे। पदयात्रा फ्लड यानी कि बाढ़ मुतासरीन लोगों के लिए सेंट्रल हुकूमत से इमदाद की मांग के लिए निकाली जा रही थी। एक तरफ एचडीपीआई के लोगों का कहना था कि उनके पास पुलिस की इजाजत नामा भी है यानी कि परमिशन है, तो दूसरी तरफ कस्बापेट पुलिस स्टेशन वालों ने उन्हें पदयात्रा निकालने से रोका रखा था। आखिरकार कस्बापेट पुलिस स्टेशन ने उन्हें पदयात्रा निकालने से रोका और उन्हें प्रिवेंटिव कस्टडी में ले लिया। इतना यह भी है कि बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया। इस पदयात्रा में शरीक होने के लिए कई सैलाब पीड़ित मर्द और जमा हुए थे, लेकिन अफसोस की बात यह है कि सैलाब से पीड़ित लोगों के हक के लिए आवाज उठाने पर एसडीपीआई के लोगों को जेर हिरासत में लिया गया। भारत देश दुनिया का सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क है, जहां मजलूमों के हक के लिए आवाज उठाना गलत बात नहीं है, लेकिन जब से बीजेपी हुकूमत आई है मजलूमों और बेकसों के हक में आवाज उठाना एक जुर्म सा बनता जा रहा है। अब जमहूरियत को बहुत बड़ा खतरा नजर आ रहा है। लोकतंत्र बिल्कुल ही खत्म होने की कगार पर है। अब मजलूमा के हक में आवाज उठाने वालों की आवाज दबा दी जा रही है। जिस तरह एचडीपीआई के लोगों को जेर हिरासत लिया गया, इससे यह बात साबित हो जाती है कि देश किस दिशा में जा रहा है। एचडीपीआई के अरकान कोई गैर कानूनी काम को अंजाम नहीं दे रहे थे, वो तो सैलाब से मुतासर अफराद के लिए मदद और उनकी रिलीफ की मांग कर रहे थे, लेकिन उन्हें हिरासत में ले लिया गया और उन्हें मजबूर कर दिया गया कि वो पदयात्रा न निकाले, बल्कि सीधे तहसीलदार ऑफिस पहुंचकर अपना मेमोरेंडम यानी कि मुतालबा पेश करे। लेकिन पदयात्रा निकालने पर तुले एचडीपीआई के लोगों को आखिरकार गिरफ्तार कर दिया गया और फिर बाद में उन्हें रिहा भी कर दिया गया। अब देखना है कि इस पर दिगर मुस्लिम इदारे, दिगर इंसानी हकूक तंजीमें इन पर क्या अपना रद्द अमल जाहिर करती है। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह उस बाढ़ को इमदाद दिलाने का काम कर रही थी एसडीपीआई। हम लोग क्या बोले था यहाँ एसडीपीआई ऑफिस उबली ओल्ड उबली एसडीपीआई ऑफिस से तहसीलदार ऑफिस तक रैली कर दो, बोलते हमको परमिशन नहीं दे रहे। क्या बोल रहे हैं वहाँ पर जाके मेमोरेंडम देकर बोलो। पब्लिक को जो राहत दिलाना चाहती है एसडीपीआई उससे रोक रही, इसके पीछे गंदी सियासत है, गंदी जो सोच है आरएसएस और बीजेपी। बोलो करके हमें तुम्हारा हक दिलाते, गवर्नमेंट से जो तुम्हें नहीं मिला हमें दिलाते, हम आए उनको की अरेस्ट करें, क्या बारे में अरेस्ट करें इनको। हमें पढ़े लिखे नहीं, अनपढ़ है, हमें अनपढ़ रमेश से हम ना एक मदद दे रहे, हमें मदद ले रहे, हमें किसके भी ऊपर क्या बोल रहे नहीं, हम ना उन्होंने करे, हमें इन्होंने कहा, हमें किसके भी ऊपर उंगली नहीं उठा रहे, उन्हों मदद करते हैं हमें मदद कोई कैसी बात है, दूसरे क्या भी बात नहीं है। हमारा हमारे तो पूरा घर पड़ा से अभी तक हमने फोन को निकाल मारे ने खाली क्या हमने आना रहता देश होता से क्या भी अभी तक बात आ जाता है सभी रहता ये बोल रहे हैं घुसा। अभी तक तो क्या भी आया नहीं, उस लिए क्या है वो भैया उन्होंने सभी जने यहाँ को औरतों को बोले इधर से एक रैली निकालेंगे, कॉर्पोरेशन को जाओ हमें लड़को तुम्हारा क्या दिलाने का है दिला तुम को बोले। हम आए बस पानी घुसा था हमारे घर में, हलता हूँ बेलता हूँ ये हाँ को हम ना ये करे सब भी करे, अभी आओ तुम्हारा हक अभी तक की नहीं आया, तुमने आना था कि नहीं, हमें बोले आता कर बोल रहे हैं, वहाँ आता कर नहीं अभी तक आना था, तुमने की नहीं आया, तुम्हारा हक हुआ तुमने आना जरूरी है कि नहीं आया, कहीं चलो जाएंगे कहीं हूँ चलो बाकर कहीं हमें भी।